13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने SDM को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी, SDM ने FIR रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनके रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती है उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे, ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है, जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है, तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो SP साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। 13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने SDM को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी, SDM ने FIR रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनके रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती है उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे, ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है, जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है, तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो SP साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन।